लाख से अधिक कोरोना मरीज मिलने के एक दिन बाद संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। देश में बीते 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 446 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। महाराष्ट्र से लौटने लगे उत्तर भारत के मजदूर, कंपनियों में ताला लगने से आसार, कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल, 11 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस नेता के घर पर मिली ईवीएम, चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आज पंजाब से विदाई। यूपी पुलिस की 7 गाड़ियां पहुंची रोपड़, बाकी का इंतजार, शाम को वापसी संभव। आज को मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची एनआईए, सीन किया रिक्रिएट। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर ने लाल ग्रह मंगल पर अपनी पहली सर्द रात सफलतापूर्वक काटी। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर ददक रहे हैं। इस राज्य में 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 4 अप्रैल 2021 की सुबह तक जंगलों में आग लगने की 998 घटनाओं को हो चुकी हैं। सरकार जंगलों की आग से निपटने के लिए ठोस योजनाएं बनाए। डिग्री वालों को भी टेस्ला करेगी भर्ती। अमेरिका के ऑस्टिन में एलन मस्क की गीगा फैक्ट्री में रखे जाएंगे 10,000 कर्मचारी। सेंसेक्स 70.68 अंकों .16 की फीसदी की तेजी के साथ 39,237 के स्तर पर खुला। 822 शेयरों में तेजी आई, 315 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 66 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। निफ्टी 5.40 अंक यानी .04% की मामली तेजी के साथ 14,643.20 के स्तर पर खुला। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.